रेलवे के निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को मथुरा जंक्शन पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में यूनियन के मंडल अध्यक्ष भी शामिल हुए। शुक्रवार को मथुरा रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन मथुरा जंक्शन शाखा द्वारा रेलवे के निजीकरण के विरोध में मंडल अध्यक्ष अक्षय कांत के नेतृत्व में मथुरा जंक्शन में इकट्ठे हुए, जिसमें बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों ने भाग लिया। यूनियन के बैनर तले केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में जानकारी देते हुए NCRMU मंडल अध्यक्ष अक्षय कांत ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा रेलवे को निजीकरण में दिया जा रहा है और पूंजीपतियों के हाथ में रेलवे को बेचा जा रहा है, जिससे रेलवे कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा और पूंजीपतियों द्वारा मनमाने तरीके से रेलवे को चलाया जाएगा। इसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में यह विरोध 13 से 18 सितंबर तक काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मांगे नहीं मानी तो सभी रेलवे कर्मचारी उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और अनिश्चितकालीन धरना हड़ताल भी करने को बाध्य होंगे। आज हम लोग जो रेलवे निजीकरण, रेलवे में निजीकरण चल रहा है और ये सरकार जो निजीकरण और निगमीकरण की तरफ जा रही है, उसके विरोध में हमारा जो रेलवे बोर्ड स्तर पर NFIR है, फेडरेशन है, उसने एक निर्णय लिया है कि 13 तारीख से 18 तारीख तक हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। और उसी कड़ी में 17 तारीख को आगरा मंडल पर लंच आवर से एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 13 तारीख से 18 तारीख तक सभी कर्मचारी काला फीता बांधकर इस निजीकरण के विरोध में अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे और उसी के लिए हम आज सबको आगाह करने के लिए, अपनी रेल मथुरा की चारों ब्रांचों को आगाह करने के लिए यहाँ मैं मंडल मंत्री, मंडल अध्यक्ष और मंडल संगठक आज आए हैं। इसी तरह से हम पूरे अपने आगरा डिवीजन में भ्रमण करेंगे और अपने सभी कर्मचारियों को आंदोलित करेंगे कि इस सरकार के खिलाफ, इस निजीकरण के खिलाफ, इस निगमीकरण के खिलाफ इकट्ठे हों और अपनी आवाज़ बुलंद करें।